नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। पिछले हफ्ते रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए रणबीर कपूर ने खुलासा किया कि उन्हें पाकिस्तानी फिल्म में काम करने में कोई झिझक नहीं होगी। अभिनेता अपने 15 साल के करियर के बारे में बात करने के लिए सऊदी अरब के जेद्दाह में थे। अब उन्होंने बयान दिया, उन्हें फेस्टिवल द्वारा वैरायटी इंटरनेशनल वैनगार्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। रेड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से रणवीर कपूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक पाकिस्तान डायरेक्टर से बात करते हुए रणवीर ने कहा कि वो पाकिस्तानी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म मौला जट की तारीफ की। अपने बयान को लेकर रणबीर कपूर अब बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। इवेंट के दौरान एक पाकिस्तानी फिल्म निर्माता ने रणबीर कपूर से कहा कि अब हमारे पास सऊदी अरब जैसा एक मंच है जहां हम संयुक्त रूप से फिल्में कर सकते हैं। मैं आपको एक फिल्म के लिए साइन करना चाहता हूँ, क्या आप सऊदी अरब में अपनी टीम के साथ पाकिस्तानी फिल्म में काम करना पसंद करेंगे? इसका जवाब देते हुए रणबीर ने कहा, बेशक सर, मुझे लगता है कि कलाकारों के लिए, विशेष रूप से कला के लिए कोई सीमा नहीं है। मौला जट के लिए पाकिस्तान फिल्म उद्योग को बहुत बहुत बधाई। यह पिछले कुछ वर्षों में देखी गई सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। बेशक मुझे अच्छा लगेगा। रणबीर कपूर के इस जवाब पर इवेंट में तो खूब तालियां बजी, लेकिन भारत के फैंस को यह जवाब कुछ पसंद नहीं आया। लिहाजा रणबीर को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है, जहां कुछ यूजर ने उन्हें पाकिस्तान जाकर बसने की सलाह दे दी, वहीं कुछ उन्हें देशद्रोही का टैग भी दे रहे हैं। बता दें कि साल 2016 में आई फिल्म दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान के साथ काम किया था। वहीं माहिरा खान से भी इनकी काफी दोस्ती है, लेकिन 2016 में उरी हमले के बाद से भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया गया है।